तो स्ट्रीट फूड सीरीज में आज हम देखने वाले हैं चिकन लॉलीपॉप की रेसिपी। बहुत सारे लोगों ने इसके लिए डिमांड किया था कि तुम चिकन लॉलीपॉप की रेसिपी दिखाना, फ्राइड वाले चिकन लॉलीपॉप। तो चलिए देखते हैं इनका पता। मैं सोनू चाइनीज सेंटर से बोल रहा हूँ। अपना चाइनीज सेंटर वसंत विश्वास पार्क देवकरपाना में है, जो नाली। तो यहाँ पर यानी कि सोनू चाइनीज सेंटर में बहुत ही बढ़िया लॉलीपॉप मिलता है, तो एक बार आप ज़रूर से ट्राई करने आइए। और साथ में ये सेजवान चटनी जो देते हैं ना, इसके साथ में जो खाने का मज़ा है, बस पूछो मत, जन्नत है जन्नत। तो चलिए देखते हैं कि ये बनता कैसे है, क्या मसाले इसमें डाले जाते हैं, डिटेल में सीखेंगे स्टार्टिंग से लेके एंड तक। तो स्टार्ट में इन्होंने लिया है 500 ग्राम मैदा। तो ये जो रेसिपी बनने वाली है वो 20 पीसेस के लिए बनने वाली है, 20 चिकन के पीसेस के लिए बनने वाली है। अब इन्होंने यहाँ पर डाला है 250 ग्राम कॉर्नफ्लावर, यानी कि आप घर पे बना रहे हैं तो ध्यान रखिए जितना मैदा लिया है उसका आधा आपको कॉर्नफ्लावर लेना है। तो यहाँ पर इन्होंने डाला है नमक, साथ में डाला है अजीनोमोटो, या आप स्किप कर दें अगर आप घर पर बना रहे हैं तो। और साथ में डाला है ये शक्कर यानी कि शुगर। अब इन्होंने यहाँ पर लिया है हरी मिर्ची का पेस्ट। पेस्ट तो नहीं कह सकते, लगभग इन्होंने इसे कूट के लिया है, देख सकते हैं आप। अब यहाँ पर इन्होंने लिया है अदरक का पेस्ट, इसे भी इन्होंने कूट कर लिया है, देख सकते हैं, फाइन नहीं बनाना। और लास्ट में लिया है लहसुन का पेस्ट। तो ये जो तीनों चीज़ें हैं इसे कूट के ही लेना है, चाइनीज़ में ऐसे ही कूट के डाला जाता है। लास्ट में निचोड़ा है नींबू का रस। अब देखिए इन्होंने यहाँ पर डाले हैं 4 अंडे बल के साथ डालने हैं, पीला वाला पार्ट है वो भी इसमें डालना है। अगर आप घर पे बना रहे हैं तो 1 से 2 अंडा आप इसमें डाल सकते हैं कम क्वांटिटी के लिए। अब लास्ट में इन्होंने डाला है फूड कलर, खाने का रेड फूड कलर, घर पे बना रहे हैं तो इसे स्किप कर दें। अब इन्होंने यहाँ पर डाला है पानी। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए कंसिस्टेंसी कैसी चाहिए, अगर ज़्यादा पतला बन गया तो कोटिंग ढंग से नहीं आ पाएगा, तो ये स्टेप आप मिस मत करिए। देखिए अच्छी तरीके से मिक्स करना है, जितने भी लम्स कूट लिया है सारी निकाल के लेनी है। अब इसमें भैया और थोड़ा पानी डाल रहे हैं। तो फाइनली मैं आपको लास्ट में कंसिस्टेंसी दिखाऊंगी कि कैसी होनी चाहिए, ताकि इसका जो कोटिंग है कुरकुरा करारा बहुत ही बेहतरीन बन सके। देखिए इतनी जो कंसिस्टेंसी है इसकी होनी चाहिए। अब इसमें वो चिकन के पीसेस डाल रहे हैं, लॉलीपॉप के पीसेस, लगभग ये 20 पीसेस है। अब इसे अच्छी तरीके से कोट करना है, जहाँ पर चर्बी का पार्ट है उस जगह पे देखिए किस तरीके से लगाना है। अब यहाँ पर जो फ्राइंग की प्रोसेस है उसे तेज आंच पर, या फिर आप इसे कह सकते हैं हाई फ्लेम पे ही करना है, ताकि इसकी जो कोटिंग है वो क्रिस्पी और करारी बन सके। लगभग 20 मिनट लग जाते हैं इसे अच्छी तरीके से फ्राई होने में। रेसिपी और भी बची है, स्किप मत कीजिए यहाँ पर। तो देखिए उलट पलट करके इसे अच्छी तरीके से क्रिस्पी तल के लेना है। तो देखिए अच्छी तरीके से तल के रेडी हो चुके हैं हमारे चिकन के लॉलीपॉप के पीसेस। तो भैया निकाल के ले रहे हैं दूसरे बर्तन में। तो देखिए इसको सर्व कैसे किया जाता है। सबसे पहले लंबा लंबा कटा हुआ प्याज डालना है, साथ में बहुत सारा धनिया, और लास्ट में कटा हुआ गोभी इसके ऊपर डालेंगे, और लास्ट में डालेंगे चाट मसाला। तो इसके साथ खाई जाने वाली स्पाइसी सेजवान चटनी की रेसिपी, और साथ में आप चाहे तो मंचूरियन और बहुत सारे चाइनीज़ आइटम की डिटेल में रेसिपी दे रखी है चैनल पे, आप देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।